इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम क्रस्टेशन की सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट एनिमल जिसको हम एज अ एग्जाम्पल यूज़ करेंगे वो है क्रेफिश क्रेफिश इज अ कॉमन क्रस्टेशियंस। अब इसमें सर्कुलेशन का प्रोसेस भी वही है जो कि बाकी आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स में था डॉर्सल एंटीरियर पोस्टीरियर आर्ट्रीज मौजूद हैं एंड दे लीड अवे फ्रॉम द मस्कुलर हार्ट और इन वेजल्स की फिर मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचिज होंगी जैसे जैसे ये डीप ऑर्गन्स में एंटर होंगी इनकी ब्रांचिज जो हैं वो फर्दर फाइन होती जाएंगी और अल्टीमेटली दे विल एम्प्टी इन टू दाइनस ऑफ द हीमोसिली अब ब्लड जो है दैट इज़ रिटर्निंग टू द हार्ट दिस नॉर्मली कोलेक्ट्स इन देंट्रल साइनस एंड एंटर्स द ल्स बिफोर रिटर्निंग टू द पेरी कार्डियल साइनस एंड पेरीकार्डियल साइनस इज़ यूजली सराउंडिंग द हार्ट अपक्रेस्टेशं में लाइक अदर आर्थरोपोर्ड्स दे विल आल्सो हैव द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसका यह मतलब है कि ब्लड जो है दैट इज नॉट कंटेन विदिन द वेजल्स उसके बल्कि ब्लड जो है दैट इज़ ड्रॉन इन टू द हार्ट ट्रू होल्स या अपर्चर्स जिनको हम कहेंगे ओस्टिया ओस्टिया से अगेन दिस इज़ पम्पड आउट टू सर्कुलेट ट्रू द टिश्यूज एंड अगेन रिटर्न टू द हार्ट यहाँ से अब आप देखें हार्ट हार्ट के साथ जो अपर्चर है वह है ऑस्टिया और इसमें मुख्तलिफ आर्टरीज हैं स्टिनरल आर्टरीज आर्टरी टू द लेग और फिर इसमें ये आर्टरीज जो हैं दे विल ओरिजिनेट हार्ट की जो ओपनिंग है वो है ऑस्टिया इसके थ्रू फ्लूड एंटर होगा और इसमें फिर मुख्तल्फ आर्टरीज जो हैं दे विल लीड टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू सप्लाई द ब्लड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इफ़ देर इज़ नो सप्लाई ऑफ ब्लड देर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड द बॉडी कुड नाट survive this diagram shows the process of our system of circulation in crayfishes